तो सबसे पहले इस चीज को आप नोट कर ले, डीबी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डबल बॉन्ड इंडेक्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पहले भी लिखा रखा है, लिखा रखा है ना, या इसका मैंने दूसरा एक सूत्रा पर और भी लिखा रखा था, वो क्या था, सिग्मा है ना, क्या था ना, सिग्मा एन बी माइनस टू डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, यही था। एटम्स देखिएगा, उनकी नंबर देखिएगा, वैलेंसी माइनस टू डिवाइड बाई टू करिएगा। मान लीजिएगा हमारे पास एक फॉर्मूला है कि सी थ्री एच सेवन एन एच टू है ना, अब इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या है इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो पहले देखेंगे सिग्मा मतलब सारे कार्बन पे लगेगा, सारे एटम्स पे, सॉरी सारे एटम्स पे लगेगा, तो कार्बन कितने हैं, तीन, नंबर ऑफ कार्बन कितने, तीन, वी वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, चार, चार माइनस दो डिवाइडेड बाई टू, प्लस दूसरा आइटम कौन है, हाइड्रोजन कितने हैं, नाइन है, नाइन है, नाइन, वैलेंसी कितनी है, वन माइनस टू डिवाइडेड बाई टू, प्लस देन आफ्टर नाइट्रोजन कितने हैं, एक, एक इंटू वैलेंसी कितनी है, तीन माइनस दो बटे दो, ठीक ना, और लास्ट में क्या, प्लस वन, ये देखा था। इससे अपन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ये कितना बचा, तीन माइनस नाइन बाई टू, बोलो कितना, और ये कितना आ गया, माइनस वन बाई टू ना, माइनस वन बाई टू, एंड लास्ट में कितना, प्लस वन निकाला है, इससे इसकी डिग्री कितनी आई, तो तीन, तीन और एक चार, चार माइनस, बोलो एक मिनट, तीन में से दो गया एक, प्लस वन बाई टू का प्लस का वन बाई टू का प्लस का वन बाई टू का। तो देखिए थ्री प्लस वन कितना हुआ टोटल, फोर माइनस नाइन बाई टू यानी साढ़े चार, और प्लस का आप चार ले गया, चार माइनस चार कितना आ गया, जीरो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, जीरो, मीन टू से इसमें डबल बॉन्ड एक भी नहीं होगा, जीरो डीबी मीन टू से एक भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, अब डबल बॉन्ड एक भी नहीं होगा तो क्या होगा, जरा देख लेते हैं। ये डीबी निकालने का तरीका पहले भी सिखा रखा है आप लोगों को, बिना डीबी निकाले आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सीधा मिलेगा। डीबी क्या करती है, डीबी क्या करती है कि डीबी का मतलब होता है कि आप उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि कितने डबल बॉन्ड इसमें सेट कर सकते हैं, कितने डबल बॉन्ड सेट कर सकते हैं, तो देख लेंगे अपन कितने डबल बॉन्ड सेट कर सकते हैं। तो अगर इसमें डीबी जीरो आ रही है, इसका मतलब उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, एक भी डबल बॉन्ड की गुंजाइश नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो आप आइसोमर जल्दी आसान से बना सकते हैं। लेकिन अगर डीबी की वैल्यू कितनी भी आ रही, मान लो जीरो नहीं आ रही है, वन आ रही है या टू आ रही है या थ्री आ रही है, तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डबल बॉन्ड उतने सेट करने ही पड़ेगी, ठीक है ना। और एक डीबी की कीमत पर एक रिंग चली जाती है, बता रखा है, एक रिंग एक डीबी की कीमत पर बनती है। अगर मान लीजिएगा कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई रिंग बनानी है आपको, तो एक डीबी होना आवश्यक नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं आएगा, लेकिन रिंग अगर आपने बना दी तो वो डबल बॉन्ड की जगह खा जाती है, फिर आप उसमें डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। मान लो किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डीबी बना रही है, जैसे कि मान लीजिए C4H8, इसका डीबी निकालेंगे, तो इसका डीबी निकालेंगे तो कितना आएगा, तो वन प्लस सीधा वो ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला अपन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वन प्लस कार्बन कितने हैं, चार, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, आठ डिवाइडेड बाई टू, और नाइट्रोजन जीरो है, छोड़ दीजिएगा। अब इसकी डीबी निकालेंगे तो कितना हो गया, चार और एक पाँच, पाँच में से चार गया कितना होता है, एक, एक डीबी आ रही है, इसका मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड है। जब आप चार कार्बन की चेन बनाएंगे तो एक डबल बॉन्ड आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो देखो हाइड्रोजन कितने हुए, तीन और दो पाँच और एक छः और दो आठ, हो गया ना। या इस डीबी को सेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रिंग बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं, तो चार कार्बन की रिंग है, चार कार्बन की रिंग है, आप देख लो एक डीबी सेट हो गई, डबल बॉन्ड आया भी नहीं, लेकिन एक रिंग आ गई। तो आप डीबी अगर आप फॉर्मूला निकालना सीख जाते हैं, डीबी का अगर फॉर्मूला लिखना सीख जाते हैं, तो आप इससे डीबी से रिंग और डीबी, एक रिंग एक डीबी खा जाती है, ठीक है ना। तो देखो
डीबी किस तरीके से सेट की जाती है कि एक डीबी एक रिंग एक डीबी खा जाती है, ठीक ना, एक डीबी की कीमत पर एक रिंग बनती है। तो पहले आप डीबी निकालेंगे, उसके बाद ही किसी फॉर्मूले पर अपन काम करेंगे कि भाई क्या उस पर हो सकता है। तो अपन देख लेते हैं, अब आगे देख लेते हैं आइसोमेरिज्म। आज अपन आइसोमेरिज्म देखेंगे, आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो आइसोमेरिज्म से पहले आपको अगर डीबी सेट करना आता है, डीबी निकालना आता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आप आइसोमेरिज्म बना सकते हैं। अब आइसोमेरिज्म है क्या, कितने टाइप का आइसोमेरिज्म है क्या, पहले तो ये देखिएगा, आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं। आइसोमेरिज्म यानी कि जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन कंपाउंड अलग अलग बने। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड्स का क्या हो, सेम हो लेकिन कंपाउंड्स क्या हो, अलग अलग हो। अलग अलग हो इसका मतलब कि क्या है, और हो सकता है उनका केमिकल फॉर्मूला थोड़ा बहुत अलग हो, या हो सकता है केमिकल फॉर्मूला सेम भी हो, सब कुछ सेम होने के बाद भी उनकी फिजिकल या केमिकल या दोनों प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक ना। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे अभी आपको देख बताया था कि C4H8 था, अब C4H8 से आपने क्या बनाया था, एक कंपाउंड तो ये बनाया था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, एक तो ये बना दिया था। किसी बच्चे ने कहा कि नहीं सर मैं तो ये साइकिल बनाऊंगा, अरे तो दोनों की प्रॉपर्टी बदल गई ना, फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टी बदल गई, बदल गई ना। और कोई बच्चा इसको इस तरीके से बनाएगा कि सर मैं तो ऐसे भी बना सकता हूँ इसको, ये CH3 और CH3, और ये भी तो चार कार्बन आ रहा है ना, ये भी बना सकता है। ये तीनों क्या हो गए, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C4H8 है, लेकिन तीनों के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है ना। तो ये क्या हो गए आपस में, आइसोमर हो गए, क्या हो गए, आइसोमर। और इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक ना। यानी जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे लेकिन कंपाउंड क्या बने, अलग अलग टाइप के बने, तो इस घटना को अपन आइसोमेरिज्म और बनने वाले अलग अलग कंपाउंड को अपन आइसोमर कहते हैं, ठीक है। अब ये कितने टाइप का होता है, एक टाइप का तो आपने देख लिया ये, ठीक ना। अब ये कितने टाइप का होता है, तो ये आइसोमेरिज्म होता है तीन टाइप का, ठीक है ना। पहला होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है कंफर्मेशनल, और तीसरा होता है स्टीरिक। तीन टाइप के ये आइसोमेरिज्म होते हैं, स्ट्रक्चरल, कंफर्मेशनल और स्टीरिक। स्ट्रक्चरल में बॉन्डिंग चेंज होती है, सबसे बड़ी बात बॉन्डिंग चेंज हो जाती है। एक आइसोमर में अगर कोई एटम किसी एक जगह पे बॉन्डेड है तो हो सकता है उसके दूसरे आइसोमर में वो दूसरी जगह बॉन्डेड हो जाए। जैसे भी आपने देखा था एक स्ट्रेट चेन बना रखी थी, एक में आपने ब्रांचिंग कर दी थी, तो एटम्स की पोजीशन क्या हुई, बदल गई, अपनी बॉन्डिंग बदल जाती है। तो इसमें स्ट्रक्चरल में क्या होता है, बॉन्डिंग चेंज होती है, सबसे पहली चीज यही है, बॉन्डिंग चेंज हो जाती है। यानी जो जिससे जुड़ा हुआ है वो हो सकता है अगले आइसोमर में उस जगह पे ना जुड़ा होकर के किसी और जगह पे जुड़ा हुआ हो, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। बाकी इन दोनों में बॉन्डिंग चेंज नहीं होती, इन दोनों आइसोमेरिज्म में बॉन्डिंग चेंज नहीं होती, जो जिससे जुड़ा हुआ है वो उसी से जुड़ा रहेगा। इज दैट क्लियर, इन दोनों में बॉन्डिंग चेंज नहीं होती है, उसमें बॉन्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। इन दोनों में बॉन्डिंग वही रहती है, कोई जो जिससे जुड़ा हुआ है वो उससे ही जुड़ा रहेगा, अगले आइसोमर में उसकी बॉन्डिंग बिल्कुल चेंज नहीं होगी, जैसा है वैसा ही रहेगा, बस ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है स्पेस में। ओरिएंटेशन चेंज होते हैं, मैं बता दूंगा कि क्या मतलब ओरिएंटेशन चेंज होने का, लेकिन वहां बॉन्डिंग सेम रहती है और यहां बॉन्डिंग बदल जाती है, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल कितने टाइप का होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल कितने टाइप का होता है, तो स्ट्रक्चरल अपन देखेंगे 6 टाइप का होता है। कौन कौन से 6 टाइप की होती है, चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरी रिंग चेन आइसोमेरिज्म, चौथी होती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और पांचवी होती है मेटामेरिज्म, और छठवीं होती है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म एक स्यूडो आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं, क्रिप्टोमेरिज्म है, मीरोट्रॉपी है, यानी इसमें आइसोमर एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, जबकि इनमें आइसोमर एक दूसरे में चेंज नहीं होते, एक आइसोमर दूसरे में चेंज नहीं होगा इन पांचों में, लेकिन छठवां जो लास्ट मैंने लिख दिया टॉटोमेरिज्म, इसमें अपन किसी भी आइसोमर को सेपरेट फॉर्म में नहीं ला सकते,
क्योंकि वो दूसरे में चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ दो आइसोमर आपस में चेंज होते रहते हैं, तो ये तो इक्विलिब्रियम वाली आइसोमर जो हुई, दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, ठीक है ना, दोनों आइसोमर या जितने के आइसोमर हैं वो सभी दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, लेकिन इसमें इन पात्रों में जो आइसोमर है वो चेंज नहीं होगा, जो जैसा वैसा ही रहेगा, वो एक सेपरेट कंपाउंड आप उसका निकाल सकते हैं। तो टॉटोमेरिज्म थोड़ा सा मीरोट्रॉपी है, यानी क्रिप्टोमेरिज्म है, यानी कि चलायमान है, मूवमेंट है ना, आइसोमर्स आपस में एक दूसरे में मूव होते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो ये टॉटोमेरिज्म का सीन है। अब अपन आगे बात कर लेते हैं, तो चेन आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि चेन चेंज होगी, मेन चेन जो आप सेलेक्ट करते हैं वो चेंज हो जाएगी आइसोमर्स में। तो जब चेन चेंज हो जाती है आइसोमर्स में, एक आइसोमर में चार कार्बन की है, दूसरे आइसोमर में तीन कार्बन की चेन रह गई, तो ये क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है ना। केवल चेन चेंज होगी और कोई चीज चेंज नहीं होगी, तो उसको अपन कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। और जब चेन के अलावा भी अगर मान लीजिए चेन चेंज ना हो लेकिन पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्सिट्यूएंट, अगर वो चेंज होती होगी पोजीशन, किनकी, सब्सिट्यूएंट्स की या मल्टीपल बॉन्ड्स की या फंक्शनल ग्रुप्स की, अगर पोजीशन चेंज होती है, पहले पता चला एक आइसोमर ऐसा है जिसमें कि उस फंक्शनल ग्रुप को 1 मिल रहा है, दूसरे में क्या मिल रहा है उसको 2 मिल रहा है, तो क्या हो गया, वो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। रिंग चेन, कभी रिंग कभी चेन, अभी देखा था कभी रिंग कभी चेन, तो वो रिंग चेन आइसोमर होते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसमें कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। तो फंक्शनल और मेटा में एक अलग चीज है, मैं बताऊंगा, पहले अपन चेन आइसोमेरिज्म से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला पार्ट है चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मैं बताऊंगा कैसे बॉन्डिंग चेंज होती है, ठीक है ना, और कैसे चेन चेंज हो जाती है। और चेन आइसोमेरिज्म का मैं आपको बताऊंगा, इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से चेन आइसोमेरिज्म आगे चलती है। तो पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला पार्ट है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, चेन चेंजेस, है ना, चेन चेंजेस, चेन चेंज करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक फार्मूला दिया आपको, एग्जांपल मैं बताऊं इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक फार्मूला है C5H12, ये फार्मूला देख लीजिए, ठीक है ना, ये कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12। अब क्या बनाना है, इसका कैसे बनाना है, तो सबसे पहले इसका डीबी निकाल लेंगे। तो इसका अगर अपन डीबी निकाल लेते हैं, तो साइड में अपन इसकी डीबी निकाल लेते हैं, डीबी कितनी आएगी, डीबी तक 1+ कार्बन, कार्बन कितने हैं जल्दी बोलो, 5 माइनस हाइड्रोजन डिवाइड बाय 2, हाइड्रोजन कितने हैं, और तो कुछ है नहीं, कितना आया 0, 5 और 6, 6 प्लस का और 12/2 माइनस का 6 हो गया, यानी इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो आप चेन बना सकते हैं, इसके कंपाउंड बना सकते हैं। तो आप इसका एक आइसोमर क्या बना के, पांचों कार्बन एक बच्चे ने सीधे में रख दिए, एक स्ट्रेट लाइन में बना दिया। अब हाइड्रोजन सेट करेंगे तो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12, एक कंपाउंड तो ये बन गया इसका। दूसरा इसका कंपाउंड बनाएंगे, तो पहला तो इसका कंपाउंड बन गया ये, दूसरा इस बच्चे ने क्या किया, इसको थोड़ा सा ब्रांच कर लिया, चार कार्बन का नीचे वो ले लिया चेन, और पांचवा जो कार्बन है वो क्या कर दिया उसने, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में बाहर कर दिया, है तो 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, हाइड्रोजन 12 ही, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है ना, इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, और इन दोनों का भी सेम है, लेकिन ये दोनों कंपाउंड क्या हुए, अलग अलग बॉन्डिंग चेंज हुई कि नहीं हुई, बॉन्डिंग चेंज हुई, पहले पांचों कार्बन एक के पीछे एक जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि चार को एक के पीछे एक है, लेकिन पांचवा क्या हुआ, बीच वाले साइड में चला गया, बॉन्डिंग चेंज हुई कि नहीं हुई, बॉन्डिंग चेंज हुई। अब अपन इसका नॉमेनक्लेचर करने जाएंगे, तो सबसे पहले चेन सेलेक्ट करेंगे ना, चेन सेलेक्ट करेंगे तो इसमें कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है ना, और लेकिन दूसरा जो कंपाउंड आपने छाप दिया है इसमें कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, अरे तो चेन चेंज हो गई ना। तो जब आइसोमर्स में डिफरेंट कंपाउंड्स में क्या चेंज होता है, चेन चेंज हो जाती है, तो ऐसे आइसोमर क्या कहलाते हैं, चेन आइसोमर कहलाते हैं, और तो कुछ चेंज नहीं हुआ, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ, पोजीशन चेंज नहीं हुई, क्या हुआ, केवल चेन चेंज हो रही है जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे आइसोमर क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर। इसका तीसरा आइसोमर देख लेते हैं, तो तीसरे बच्चे ने क्या किया कि 2 मिथाइल ग्रुप को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट के तौर पे लगा दिया। अब बताओ जरा, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन के लिए तो 3 6 9 12, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन चेन अगर इसमें देखेंगे तो कितने कार्बन की रहेगी। अब आप इसमें चेन सेलेक्ट करेंगे, पहले 1 2 3 कार्बन की चेन रहेगी,
और दो मिथाइल क्या हो गई सब्सट्रेटिंग फॉर्म में आ गए। तो क्या हुआ ये तीनों आपस में क्या हुए, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन अंतर किस बात का है, केवल चेन का। पहले वाले कंपाउंड में 5 कार्बन की चेन है, दूसरे वाले में 4 की है, तीसरे वाले में 3 की रही चेन। तो जब चेन चेंज हो जाती है तो इस घटना को अपन कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, और इस तरीके से बनने वाला आइसोमर क्या कहलाते हैं, चेन आइसोमर कहलाते हैं। इधर क्लियर? यस सर। तो ये चेन आइसोमेरिज्म हो गया और ये चेन आइसोमर हो गया, ठीक है। दूसरी देखें, इसको नोट करिएगा। तो ये आपको देखना है, अभी अलग अलग फॉर्मूले भी मिलेंगे, अलग अलग तरीके की चीजें भी मिलेंगी, तो आपको ये देखना है कि नहीं चेन आइसोमर बन रहा है या चेन की बजाय कोई और भी बन सकता है, ये भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये पहला आइसोमेरिज्म समझ में आया, कंपाउंड्स की चेन चेंज हो जाती है, ठीक है। यानी आप जब नॉमेनक्लेचर की तरफ जाएंगे तो चेन सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, चेन अगर अलग अलग आ रही है इसका मतलब चेन आइसोमर है। लेकिन अगर चेन सेम आए, चेन अगर सेम आए लेकिन पोजीशन बदल जाए फंक्शनल ग्रुप्स की या सब्स्टिट्यूएंट्स की, तो क्या कहलाएगा वो, पोजीशन आइसोमेरिज्म। दूसरा देख लेते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें की पोजीशन चेंज होती है किसकी, फंक्शनल ग्रुप की या सब्स्टिट्यूएंट्स की या मल्टीपल बॉन्ड्स की। चेन कांस्टेंट रहेगी लेकिन पोजीशन बदल जाएगी। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल इसका देख लेते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, पोजीशन किसकी, ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप, है ना, या मल्टीपल बॉन्ड चेंजेस। यानी उसको नंबर अलग अलग मिल रहा होगा, नंबर अलग अलग मिल रहा होगा। एग्जांपल C5H11Cl, ये कोई कंपाउंड है। अब आपको कह दिया जाएगा इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख के दिखाओ, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन मिलेंगे, तो 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन लिए 2, 3, 4, 5, ओके। और क्या किया कि ये हाइड्रोजन सेट कर लेंगे, इसने Cl लगा दिया पहले वाले कार्बन पे, तो ये CH2 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 CH2। अच्छा इसका नाम बनाएंगे 1-chloropentane, बोलो नाम बनाएंगे। पहले इसका देखेंगे क्या प्रॉपर C5H11C, अच्छा इसकी डीबी निकाल लेते हैं, निकाला डीबी क्या मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है, तो डीबी निकाल लेते हैं। डीबी 1 प्लस कार्बन कितने हैं 5, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 11 बटे 2, माइनस हैलोजन कितने हैं 1 बटे 2, ऐसे तो होता है। अब देख लेंगे 5 और 6 माइनस 11 बटे 2 मतलब 5.5 और आधा हो गया 6 माइनस 6 कितना हो गया, यानी इसमें एक भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब एक भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो अपन को सिंगल बॉन्ड बनाने थे, बना दिए। अब गिन लेते हैं हाइड्रोजन 3, 5, 7, 9, 11 हैलोजन 1, कार्बन 5 सेटल। अब देखते हैं, अब इसका दूसरा आइसोमर कोई बच्चा बना सकता है, बिल्कुल बनाएगा। उसने दूसरे बच्चे ने क्या किया, इस बार चेन कांस्टेंट रखते हुए, क्या चेन 5 कार्बन की रही, सीएल की पोजीशन चेंज कर दी, 1 पे आ रहा था ना, अरे इसका नाम क्या था, 1-chloropentane। दूसरे आइसोमर में उसने क्या किया कि इसने कुछ इस तरीके के ये दिखा दिया कि ये देखो सर के मैंने ये वाला बना दिया। अब देखो इसका नाम क्या हो गया, 2-chloropentane। अरे तो बॉन्डिंग बदली के नहीं बदली, पहले वो बन वाले थे बॉन्डेड था, दो हाइड्रोजन थे उसके पास, इस पर दो हाइड्रोजन थे, अब सीएल किस पर चला गया, इस वाले पे चला गया, हाइड्रोजन उधर चला गया। अरे तो बॉन्डिंग चेंज हुई कि नहीं हुई, क्या चेन चेंज हुई, चेन तो 5 कार्बन की रहेगी, सेलेक्ट कर लो देख लो, चेन तो 5 कार्बन की रहेगी और चेन चेंज हुई, सॉरी चेन तो कॉन्स्टेंट है लेकिन क्या बदल रहा है, पोजीशन, पहले 1 पे था ना सीएल, अब कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है ना, तो 1 क्लोरो से क्या हो गया, अभी 2-chloropentane बन गया, ठीक ना। तो क्या हुआ, पोजीशन ऑफ दी सब्स्टिट्यूएंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप चेंज होती है लेकिन चेन कांस्टेंट रहे, चेन कांस्टेंट रहे लेकिन पोजीशन बदल जाए इसकी, सब्स्टिट्यूएंट की या मल्टीपल बॉन्ड की या फंक्शनल ग्रुप की, तो इसको क्या कहते हैं, ऐसे आइसोमर क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर। और ये क्या कहलाता है, इस घटना को अपन क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अंतर समझ में आ गया चेन में और पोजीशन आइसोमेरिज्म में।
समझ में आई बात। और ये तीसरा इसका जो लिख सकते हैं तीसरे पे भी तो पहुंचा सकते थे इसको, बोलो। अरे तीसरे पे पहुंच गया ना, बीच वाले पे तीसरा आइसोमर बन गया। क्या नाम है इसका? थ्री क्लोरोपेंटेन। तो थ्री क्लोरोपेंटेन एक तीसरा आइसोमर बना, इसमें भी चेन तो पांच कार्बन की रही, चेन तो चेंज हो ही नहीं रही। क्या चेंज हो गई? इसकी वापस से स्थिति चेंज हो गई, यानी वन क्लोरो टू क्लोरो थ्री क्लोरोपेंटेन। ये तीनों आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर है, ना कि चेन आइसोमर। चेन तो सेम। और अच्छे से कहा जाए कि इसके टोटल बनाओ, तो टोटल में तो फिर क्या करेगा, वो चेन भी चेंज करेगा। अभी तो केवल कौन से बनाए इसने? पोजीशन बनाए। अरे चेन भी तो बनेंगे इनके, नहीं बनेंगे? पांच की हो सकता है वो एक मिथाइल ग्रुप यहां सेट कर दे, इसलिए नहीं रहने दे, तो इसके तो बहुत सारे बन जाएंगे ना। बोलो टोटल तो बहुत सारे बनेंगे, पोजीशन तीन बनेंगे। बोलो पोजीशन तो अभी तक तीन बनेंगे अगर चेन कांस्टेंट रखता है तो, लेकिन अगर चेन भी उसने चेंज कर दी, उसने प्रश्न में ये पूछ लिया टोटल बताओ इसकी, तो फिर क्या होगा? आपका दिमाग आपको ज्यादा चलाना पड़ेगा, अलग अलग जगह अलग अलग चेन अलग अलग पोजीशन सब कुछ मिक्स करना पड़ेगा ना। तो अभी तो अपन सेपरेटली पढ़ लेते हैं कि भाई चेन आइसोमेरिज्म क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है? मिटा दे इसको। तीसरा तीसरी कौन सी आइसोमेरिज्म? तीसरी है मेरे विचार से रिंग चेन, है ना? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा कि कभी रिंग कभी चेन, कभी रिंग कभी चेन। तो रिंग चेन में क्या होगा कि कभी तो आइसोमर आप बनाओगे रिंग वाला और कभी बनाओगे चेन वाला। तो यानी रिंग अगर आ रही है, रिंग अगर आ रही है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर डीबी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। बताओ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कम से कम कितना आएगा? वन आएगा, तभी हो सकता है। डीबी कम से कम वन होगा तभी तो रिंग बना पाओगे। तो जब तक डीबी वन, इनके लिए क्या जरूरी है? कम से कम डीबी कितनी होनी चाहिए? वन होनी चाहिए, क्योंकि एक रिंग एक डीबी की कीमत पर बनेगी, डीबी जीरो नहीं हो सकती। रिंग चेन में क्या होगा? कभी रिंग कभी चेन, है ना? आइसोमर्स कंटेन क्या? रिंग एंड चेन। रिंग और चेन में आपस में अदला बदली होगी। जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला हो गया C5H10, C5H10। अब C5H10 है तो इसका मतलब कार्बन 5 हाइड्रोजन 10। तो सबसे पहले डीबी निकालेंगे। क्या आएगी डीबी जल्दी बोलो, बताओ फॉर्मूला क्या लिखो सबसे पहले? 1 प्लस कार्बन माइनस एन वाई टू, कितना आ गया? 1 1 डीबी बना गया। डीबी बना है, इसका मतलब इसमें एक मल्टीपल बॉन्ड है। एक मल्टीपल बॉन्ड है मतलब वो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल तो हो नहीं सकता। ट्रिपल के लिए डीबी तो दो होनी चाहिए ना कम से कम। डबल बॉन्ड एक है, इसमें एक डबल बॉन्ड है। तो बच्चे ने क्या किया? मैंने बोला इसका आइसोमर बना के दिखाओ, एक कंपाउंड बना के दिखाओ। तो बच्चे ने पांच कार्बन की चेन ले ली, ठीक है, और एक मल्टीपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अरे तो इसकी पोजीशन भी तो चेंज कर सकता था वो। अरे इसका पोजीशन आइसोमर बन सकता है ना? अरे वन पे आ रहा है ना डबल बॉन्ड, हो सकता है वो यहाँ पहुंचा दे तो तू पे आ जाएगा ना। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो पोजीशन आइसोमेरिज्म तो दिखा सकता है और चेन भी दिखा सकता है। अरे चेन पांच कार्बन की स्ट्रेट लगती, अरे वो तो क्या करेगा, ब्रांचिंग कर देगा। तो चेन आइसोमेरिज्म भी तो दिखा सकता है, तो चेन और पोजीशन दोनों दिखा सकता है। लेकिन अभी अपने को क्या पढ़ना है? रिंग चेन। और दूसरे बच्चे ने क्या किया कि इसका आइसोमर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लेकर के दूसरा फॉर्मूला बना दिया। वो क्या बना दिया? इसने कहा कि सर मैं तो रिंग बनाऊंगा, 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन की क्या कर दी इसने? रिंग बना दी। अरे देखो तो 2, 4, 6, 8, 10 हाइड्रोजन 5 कार्बन, अरे वो तो क्या क्या मल्टीपल बॉन्ड आया? नहीं आया, लेकिन उसकी जगह क्या लगा दी इसने? रिंग। तो ये दोनों आपस में क्या हुए? रिंग चेन आइसोमर। किसे कहते हैं रिंग चेन आइसोमर? कि एक आइसोमर में रिंग हो और दूसरे आइसोमर में रिंग ना हो, चेन हो, तो रिंग चेन आइसोमर कहते हैं इसको, ठीक ना? रिंग भी होगी एक आइसोमर में और दूसरे आइसोमर में चेन होगी, ठीक है? तो कर सकते हैं आगे? यस सर। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मान लीजिएगा कि मेरे पास एक कंपाउंड है, मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूं C5 और H8। अब इसके अपन को रिंग चेन आइसोमर बनाने, तो कितने बनेंगे देख लेते हैं। कितने बनेंगे रिंग चेन आइसोमर?
बहुत ज्यादा बन जाएंगे। यस सर। कैसे बन जाएंगे? दो आ गई तो इसका मतलब ये इसमें दो डबल बॉन्ड होंगे या इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा या ये रिंग कंटेन करेगा, रिंग करेगा एक लेकिन उसमें भी एक मल्टीपल बॉन्ड होगा या दो रिंग बना देगा वो बाईसाइक्लो स्पाइरल टाइप की। बोलो दो भी दो रिंग हो जाएगी ना तो इसके तो बहुत ज्यादा होने वाले। तो रिंग के लाइन से मैं देख लेते हैं तो पहले मैं इसमें कर देता हूँ, मैंने क्या किया दो डबल बॉन्ड लगा दिए इसमें रिंग तो नहीं आई। बोलो हाइड्रोजन कितने रहे? आठ रहे, दो और एक तीन और एक चार पांच और दो सात। अरे गिनो भाई ये सी एस टू इसमें डबल बॉन्ड बोल कितने हो गए? दो और एक तीन और दो पांच छह और दो आठ सी फाइव एच एट। अब दूसरे अब इसका रिंग चेंज बनाना है। अरे बना तो वो और भी सकता था, इसका ट्रिपल बॉन्ड भी डाल सकता था इसमें, ठीक ना। अब इसकी रिंग बनाएंगे तो रिंग में क्या किया उसने? पांच कार्बन की रिंग बना देगा वो। बोलो पांच कार्बन की रिंग और एक डबल बॉन्ड हो गई ना डीबी कंप्लीट। दो एक डीबी दो किसके रिंग की और एक डीबी यही डबल बॉन्ड आ गया ये इसका बन गया। किन्हीं में क्या किसी बच्चे ने क्या किया कि और रिंग चेंज चाहिए, ठीक है उसने मल्टीपल बॉन्ड भी दिया उसने बाईसाइकिल बना दिया बाईसाइकिल। बाईसाइकिल में देख लो दो हाइड्रोजन यहां होंगे। बोलो यस सर। एक यहां होगा तीन, दो यहां होंगे, दो यहां होंगे, दो यहां होगा, तो हाइड्रोजन मिल लो कितने हुए? दो और दो चार और छह दो आठ। अरे वो सो रहा है बाईसाइकिल। बाईसाइकिल में एक भी पाई बॉन्ड नहीं आया। यस सर। क्यों नहीं आया पाई बॉन्ड? क्योंकि बाईसाइकिल में दो रिंग दिख रही है आपको, दो रिंग है तो उसने क्या कर दिया सेट कर दिया डीबी को। यस सर। बोलो दो डीबी सेट करनी है तो ये तीनों आपस में कौन सा आइसोमर बन रहा है? रिंग चेन आइसोमर बन रहा है ना। और एक बात बताऊं किसी बच्चे ने क्या कर दिया स्पाइरो कर दिया। टोटल एक दो तीन और दो पांच, पांच कार्बन एटम लगा दिए। बोलो यस सर। बोलो पांच हो गए कार्बन स्पाइरो हो गया। अरे एक कार्बन एटम कॉमन है तो स्पाइरो हो गया, स्पाइरो लगा दिया तो दो हाइड्रोजन इधर होंगे, दो इसमें दो इसमें दो इसमें कितने हो गए? आठ हाइड्रोजन पांच कार्बन सेट है। इस वाले कार्बन की तो चार वैलेंस पूरी हो ही गई, हाइड्रोजन आ गए। तो ये क्या हो गया स्पाइरो कंपाउंड हो गया। तो ये सब आपस में कौन से आइसोमर चल रहे हैं? रिंग चेन आइसोमर चल रहे हैं। अगला समझ आई क्या? रिंग चेन का मतलब कभी रिंग कभी चेन और रिंग बदल बदल के अपन देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए चौथा है चौथा क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म यानी कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होंगे, ठीक है ना। और फंक्शनल ग्रुप चेंज होंगे तो इसका मतलब उसमें क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप चेंज होंगे। अब फंक्शनल ग्रुप कैसे चेंज हो सकते हैं मैं आपको बताऊं। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं, अब कहो फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाते हैं क्या? है ना। जब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं अलग कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग निकल के आए तो इस घटना को अपन कहते हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक ना। मैं इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताऊंगा इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज होंगे ना। क्या लिखेंगे इसमें? फंक्शनल ग्रुप है ना आर डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट क्या आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं डिफरेंट आइसोमर्स में तो इसको अपन फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। देखो जरा क्या होगा मैं आपको बताऊं। एक मेरे पास फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है C2H6O। पहले इसको समझ लेते हैं फिर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म बताते हैं वो भी अपन लिख लेंगे। पहले एक सिंपल सा समझने के तरीके तौर पर अपन इसको लिख लेते हैं। ये एक ऑक्सीजन है डीबी निकाल लेंगे, निकाले डीबी
तो इसकी डीबी निकालेंगे तो कितना आएगा, वन प्लस कार्बन कितने हैं, दो माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, छह डिवाइड बाय टू, ऑक्सीजन को तो लेते ही, ऑक्सीजन को तो लेते ही, तो टोटल कितना हो गया, दो और तीन माइनस तीन जीरो, अरे डीबी जीरो मतलब एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है, कितने कार्बन है, दो ही तो है, आराम से सेट हो सकते हैं, अरे ज्यादा बड़ा थोड़ी ना दिया, बोलो तो ज्यादा बड़ा नहीं दिया है तो फिर क्या किया जाएगा, तो अपन देख लेते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को अपन सेट कर लेते हैं, क्या सेटिंग उठाएंगे, तो जरा देखते हैं, दो कार्बन तो है और ऑक्सीजन एक है, तो अपन ये कर सकते हैं कि दो कार्बन है एक ऑक्सीजन है तो OH फंक्शनल ग्रुप दे सकते हैं, तो तीन हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन और OH, बोलो टोटल हाइड्रोजन कितने, कार्बन तो दो हो गए, ऑक्सीजन एक हो गया, हाइड्रोजन तीन और पांच और एक छह, एल्कोहल है, अरे क्या ये एल्कोहल है, अरे OH फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का होता है कि नहीं होता, यानी इस वाले कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका दूसरा आइसोमर किसी बच्चे ने बना दिया, क्या बना दिया, CH3 OCH3, और इसमें भी तो दो कार्बन एक ऑक्सीजन है, कार्बन दो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन छह, अरे ये और ये देख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो गया, लेकिन क्या दूसरे वाले कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप OH है, दूसरे वाले कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, अल्कोहल तो नहीं है, कौन सा है, ईथर, किसे कहते हैं ईथर, जब ऑक्सीजन की दो वैलेंसी दोनों की दोनों वैलेंसी कार्बन चेन से बॉन्डेड ईथर हो गया ना, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर, इसमें कौन सा है, अल्कोहल, तो ईथर और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, और ये दोनों आइसोमर आपस में कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, और दोनों आपस में है क्या, फंक्शनल आइसोमर है, क्लियर, तो अपन अब देखेंगे सेपरेटली कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो आपस में आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं, तो पहला तो देख लिया अल्कोहल एंड ईथर, बोलो अल्कोहल एंड ईथर आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, पहला है अल्कोहल एंड ईथर, इसका तो ये एग्जांपल लिख रखा है, बोलो ठीक है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, एल्डिहाइड में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड हो किनारे पे पहुंच जाएगा तो एल्डिहाइड, और बीच में आ गया सी डबल बॉन्ड हो तो कीटोन, ठीक ना, इसका एक एग्जांपल अपन पकड़ते हैं, जैसे मेरे पास एग्जांपल है C3H6O, ठीक है, C3H6O यानी कार्बन तीन हाइड्रोजन छह ऑक्सीजन एक, अपन देख लेते हैं इसमें डीबी निकालेंगे सबसे पहले, बोलो तो इसकी डीबी ही निकाल लेंगे, तो डीबी कितनी आई, वन प्लस कार्बन कितने, तीन माइनस छह बटे दो, ऑक्सीजन को तो लेते नहीं, यस सर, कितना आ गया, वन, यानी एक मल्टीपल बॉन्ड है, है ना, एक मल्टीपल बॉन्ड है, और चूंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो पहले कर लेते हैं कि तीन कार्बन की सीधी चेन, एक डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन के साथ डाल दिया, अब कार्बन की वैलेंसी सेट करेंगे तो तीन दो और यहाँ कितना एक, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, बोलो एल्डिहाइड CHO, अरे CHO, इसका दूसरा आइसोमर किसी बच्चे ने बना दिया क्या, कि सर मैं तो ऐसे बनाऊंगा डबल बॉन्ड को बीच में दे दूंगा, अब कहीं एल्डिहाइड रहा, क्या अंतर है एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में एक अंतर है, सी डबल बॉन्ड ओ ये जो कार्बन है इसके दोनों तरफ अगर कार्बन चेन है तो वो कीटोन हो जाता है, और एक तरफ हाइड्रोजन आ गया, कम से कम एक तरफ, दोनों तरफ भी आ सकता है, मतलब दोनों तरफ कार्बन चेन ना हो एक तरफ हाइड्रोजन हो या दोनों तरफ भी हाइड्रोजन हो तो क्या हो जाता है एल्डिहाइड हो जाता है, तो ये क्या है कीटोन है या एल्डिहाइड है, कीटोन है, दोनों तरफ कार्बन चेन है, ये एक तरफ कार्बन चेन दूसरी तरफ हाइड्रोजन आ गया, एक चाहे दोनों तरफ हाइड्रोजन आ गया एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड और ये क्या हो गया कीटोन हो गया, अरे तो ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम था ना, फंक्शनल ग्रुप तो चेंज हो गया ना, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है,
कीटोन कीटोन और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड तो ये एल्डिहाइड और फंक्शनल और कीटोन आपस में कौन से आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं कौन कौन से अल्कोहल ईथर आपस में दिखा सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन नहीं है कोई बहुत फिर तो बच्चा ये कह सकता है सर मैं डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में लगाऊंगा ना तो मेरा एक और नया आइसोमर बन सकता है वो क्या बन सकता है तो लगाएं डबल बॉन्ड अब की बार उसने क्या किया कार्बन कार्बन में दे दिया ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से हो जाएगा क्या दिक्कत है तो यहाँ कितने हाइड्रोजन तीन दे दिए बोलो यहाँ कितने हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा यहाँ कितने दो हाइड्रोजन देने पड़ेंगे ना लेकिन उसने क्या किया उसने अभी ऑक्सीजन भी तो सेट करना है ऑक्सीजन सेट करना है तो एक तो हाइड्रोजन सेट कर दिया और एक ऑक्सीजन सेट कर दिया लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है तो ऑक्सीजन ने क्या किया एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया अरे टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए तीन और एक चार पांच और एक छह हो तो गए छह और ऑक्सीजन एक है कार्बन तीन है अरे तो ये ना तो एल्डिहाइड है ना कीटोन है क्या है ईन और ऑल है क्या ये ईन डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं ईन और ओएच को क्या कहते हैं ऑल इनॉल बन गया तो एल्डिहाइड कीटोन और इनॉल भी ठीक है कह सकते हैं इनॉल भी इनके साथ क्या हो सकता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकता है ना एल्डिहाइड कीटोन और इनॉल ये तीनों क्या हो गए आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए ठीक ना इनॉल भी इनका ही आइसोमर हो गया ना तीसरा अपन पेयर देखते हैं वो है मिटा दूं एल्डिहाइड सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर तीसरा क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड एंड एस्टर ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ जरा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला सी O C डबल बॉन्ड हो और OH अरे कुल मिला के बात ये है कार्बोक्सिलिक एसिड अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर COOH फंक्शनल ग्रुप होगा तो DB कम से कम जीरो होगी क्या अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से DB जीरो आ सकती है क्या वन आएगी कम से कम वन तो आएगी DB जीरो नहीं हो सकती पहली बात एस्टर क्या होता है एस्टर इसका वाइवल हो गया अरे क्या हो गया सी डबल बॉन्ड हो वो भी होता है और ओ एच की जगह पे क्या हो जाता है आर यानी इधर से कार्बन हटा के आपने उधर सेट कर दिया अरे इधर बहुत सारे कार्बन थे एक कार्बन उठा के उधर सेट कर दिया आज तो बन गया ना एस्टर तो एसिड और एस्टर दोनों में डिग्री कितनी आएगी वन और दोनों एक दूसरे के वाइवल हो गए कि नहीं हो गए तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर एक दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं क्योंकि दोनों में डिग्री बने दोनों में दो ऑक्सीजन है कर सकते ना लेकिन ध्यान रखना कार्बन कम से कम दो होने चाहिए क्योंकि एक इधर भी तो आएगा और एक तो सी इसका वही है यार अरे एस्टर बनाओगे तो एक कार्बन तो इधर देना ही पड़ेगा कम से कम और एक इसमें है ही तो कम से कम दो कार्बन होंगे तभी तो दिखा पाएगा एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी एस्टर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता कार्बन कम से कम कितने होने चाहिए दो तो होने ही चाहिए ठीक है या तो आएगा ना और एक है ही तो कम से कम दो तो होने चाहिए ज्यादा हो अच्छी बात है लेकिन कम से कम दो तो होने चाहिए इसका एक फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं क्या लिखेंगे तो इसका एक एग्जांपल लिखें यानी ऑक्सीजन कितने आना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दो बोलो बोलो तो ये मैंने लिख दिया सी फोर ठीक है एच एट ओ टू ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया और आपसे पूछ लिया कि इसके फंक्शनल आइसोमर बनाए अब आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ऑक्सीजन कितने हैं कि दो है और डीबी निकाल लेते हैं डीबी निकालेंगे तो डीबी कितनी आ जाएगी जल्दी बोलो वन प्लस कार्बन कितने हैं चार माइनस आठ बटे दो ऑक्सीजन तो लेती नहीं टोटल कितनी आ गई वन आ गई अरे तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड तो है एक डबल बॉन्ड तो है एक डबल बॉन्ड कम से कम है और दो ऑक्सीजन है इसका मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है ना सी डब्ल्यू एच हो सकता है ना तो पहला सी डब्ल्यू एच से स्टार्ट कर लेते हैं बोलो तो पहला एक दो तीन और चार और ये इसमें मैंने दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड अरे हो गया ना
कार्बोक्जिलिक एसिड बन गया ना। तो पहला फॉर्मूला बना 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 2 ऑक्सीजन, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन सबसे अच्छे, ठीक है। दूसरा इसका बनाएंगे तो दूसरा क्या बना सकते हैं, एस्टर। एस्टर कैसे, एक कार्बोनिक में से कोई ना कोई वापस आ दो, बोलो। तो क्या करेंगे कि सी डबल बॉन्ड होगा तो वो रहने दिया, ओ एच, एच को अभी एक बार की इग्नोर कर देंगे, ये वाला सी एच टू या कोई सा भी सी उठा करके इधर दे दिया, तो ओ के साथ कौन आ गया, ये सी एच टू आ गया। अरे सी एच टू तो हो नहीं सकता ना, सी एच थ्री होगा ना लास्ट में पहुंच गया तो। अरे कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन अपन ने इग्नोर किया था इसके साथ जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो क्या हो गया 2 और 1 3। अरे कार्बन की वैलेंसी तो पूरी करोगे, एक तो ऑक्सीजन से दे दी, 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, इधर कितने कार्बन रह गए, 2 हाइड्रोजन सेट कर लो, देखे हाइड्रोजन मिल ले, 3 और 2 5 और 3 8, अरे सेम तो है, क्या हो गया। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, सी डब्ल्यू आर, बोलो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर बोथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर और ईथर। कैसे पहचान सकते हैं कि जब भी कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा होगा उसमें सबसे पहली बात तो ऑक्सीजन 1 से ज्यादा होंगे, बोलो 2 होंगे, कम से कम 2 तो होनी पड़ेगी ना। और दूसरी बात, डीबी कम से कम 1 जरूर आएगी, 0 नहीं आएगी, बोलो। ये 2 चीजें पहचान लेंगे ना, ये सी डब्ल्यू एच बनेगा या सी डब्ल्यू आर बनेगा, एस्टर बनेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है, कर सकते हैं इसको। तो अगला और कौन सा पेयर है जो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो अगला देख लेते हैं कौन सा पेयर है जो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा। मेरे पास एक पेयर है, मैं आपको बता देता हूं, आप खुद बना के दिखाएंगे कि भाई क्या ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाएगा। तो मैं बना रहा हूं, मैं लिख रहा हूं बस, आप मेरे को बताइए क्या ये पॉसिबल है। चौथा मैं पेयर बनाता हूं, एल्काइन, एल्काइन किसको कहते हैं, एल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, एल्काइन का कौन सा बन सकता है, एल्काइन किसके साथ दिखा सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहते हैं, तो ये किसके साथ दिखा सकता है, बोलो। एल्काइन है, 2 पाई बॉन्ड है, जरूरी थोड़ी ना कि ट्रिपल बॉन्ड दिखाया जाए, कार्बन कार्बन में हम 2 डबल बॉन्ड भी तो दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड आ गया तो क्या क्या बननी, वो एल्कीन। तो एल्काइन और एल्कीन दोनों आपस में क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर हो गए ना, एक में ट्रिपल है एक में डबल है, लेकिन वो डबल बॉन्ड कितने होंगे उसमें, 2, तो क्या कहेंगे उसको, एल्का डाइईन, बोलो, एल्काइन और एल्का डाइईन क्या होगा आपस में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आप बताएंगे इसके क्या बन सकते हैं, C4H6 बनाए, C4H6 के आइसोमर बनाइएगा, तो ऐसे आइसोमर जिसमें कि चेन चेंज ना होती हो ऐसे आइसोमर आप बनाइएगा। तो आप क्या करेंगे, चेन तो बच्चे क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन वाले बनाएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है, बोलो। डीबी निकालेंगे, डीबी कितनी आई जल्दी बोलो, 1+4-6/2 आ गई, 2 का मतलब 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड कैसे सेट करेंगे, एक बच्चे ने दोनों पाई बॉन्ड एक जगह सेट कर दिए, मेरे में तो एल्काइन बनाऊंगा, बना दिया, हाइड्रोजन सेट करें 3 2 5 कुछ नहीं 1 6, बोलो। दूसरे बच्चे ने क्या किया, दूसरे बच्चे ने क्या किया कि मेरे पास तो मैं इसको दो ही तो दो डबल बॉन्ड सेट कर, मतलब 2 डीबी सेट करनी है ना, क्या कर देंगे, मैंने 2 डबल बॉन्ड लगा दिए, वो तो कहीं सेट, देखे हाइड्रोजन सेम आने वाले हैं, 2 3 4 2 4, अरे हो गया ना, अरे दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन की नंबर सेम हो गई, दोनों आइसोमर हो गए, लेकिन कौन से वाले आइसोमर हो गए, एक एल्काइन है एक एल्का डाइईन है, एक में ईन है फंक्शनल ग्रुप, एक में आईन है फंक्शनल ग्रुप, अरे तो फंक्शनल ग्रुप तो चेंज हो गया ना, तो फंक्शनल ग्रुप जब चेंज हो जाते हैं तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और कौन से वाले कंपाउंड है, एल्काइन किसके साथ दिखाती है, एल्का डाइईन के साथ दिखाती है ना,
और एल्काइन को बाईसाइक्लो और स्पाइरो के साथ मिल दिखा सकती है। बोलो, अरे बाईसाइक्लो बना लेंगे, पर अभी चार कार्बन में बाईसाइक्लो बनाना, चार में तो बन सकता है, बाईसाइक्लो बन सकता है, चार में बाईसाइक्लो कैसे बनेगा, एक सी, दो सी, तीन सी, चार सी, बोलो साइकिल, एक डीबी खत्म, और उसने बीच में से काट दिया, बाईसाइक्लो बन गया, अरे दो डीबी सेट, वही दो डीबी सेट, देखा हाइड्रोजन, दो तीन, ओ सॉरी दो एक तीन और दो पांच और एक छह, अरे वो तो गए। तो एल्काइन किसके साथ, एल्काइन का किस किसके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म सेट हो सकता है, एल्काइन का एल्काडाइन के साथ हो सकता है और बाईसाइक्लो के साथ हो सकता है ना, लेकिन बाईसाइक्लो के साथ तब सेट होगा जब कार्बन कम से कम चार होंगे, चार से कम पे बाईसाइक्लो नहीं बनेगा ना, चार से कम पे बाईसाइक्लो नहीं बनेगा, ठीक लगा? Yes, ये सब फंक्शनल आइसोमर है आपस में, इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें दो पाई बॉन्ड है लेकिन दोनों डबल बॉन्ड की फॉर्म में, इसमें भी दो पाई बॉन्ड है लेकिन एक ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में, ठीक है मिटाएं? Yes, चलिए तो फिर।